हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज टाइम फॉर स्टडीज। तो यार, चाहे कोई टॉपर हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो एक बॉर्डर लाइन पे पास होने वाला स्टूडेंट हो, सबके पास 24 ही घंटे होते हैं एक दिन में। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए सबके पास 24 ही घंटे होते हैं एक दिन में, लेकिन जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है टाइम मैनेजमेंट का और स्ट्रांग विल पावर का। ठीक है, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए और साथ में आपके पास स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए उस टाइम मैनेजमेंट के प्लान को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपको ये पता करना है कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो। पर्सनालिटी से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि आप मॉर्निंग टाइप पर्सन हो या फिर नाइट टाइप पर्सन हो। ठीक है, यानी आप पढ़ाई के लिए जो टाइम डिवोट कर सकते हैं वो आप सुबह के टाइम पे कर सकते हैं या रात के टाइम पे कर सकते हैं या करते हो। तो आप इन दोनों में से जिस भी टाइप की पर्सनालिटी हो उसी टाइम पे आपके पास सबसे ज्यादा टाइम है अपनी वीक पॉइंट्स पे काम करने का। यानी ये जो टाइम होगा, मॉर्निंग टाइम हो चाहे वो नाइट टाइम हो, वो आपका पीक टाइम है अपनी कमियों पे काम करने का। ठीक है, तो इस टाइम पे आप उन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे जिनमें आप वीक हैं। तो मान लो आप एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग टाइप पर्सनैलिटी हो, मान लो आप सुबह 4 बजे उठे, तो 4 बजे उठ के सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये कि आपको उठना है और फ्रेश होके सबसे पहले घर से बाहर निकलना है एक्सरसाइज के लिए या वॉक के लिए या फिर योगा करो, कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट जरूर करो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी बॉडी में तभी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। ठीक, इसी टाइप से जो हमारे ब्रेन सेल्स होंगे वो भी प्रॉपरली फंक्शन तभी करेंगे जब उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी यह है कि हम फ्रेश एयर में घूमने निकले जरूर, चाहे हम घूमने निकले या योगा करें, कुछ भी करें पर करें जरूर। ठीक, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे ब्रेन सेल्स जो होंगे वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और अगर ब्रेन सेल्स ज्यादा अच्छे से काम करेंगे तो हम अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको उठना है और किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। ठीक, उसके बाद मान लो आप 4 से 5 घूम के आए और 5 बजे आप घर पे पहुंच गए। ठीक है, फिर 5 से आपके पास जितना भी टाइम है उसको आपने इन्वेस्ट करना है अपने उस सब्जेक्ट में जिसमें आप वीक हैं। ठीक है, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है वो ऐसा टाइम है जिस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है, ना ही किसी की कॉल आने वाली है, ना ही आप सोशल मीडिया पे टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो क्योंकि उस टाइम पे कोई आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है। ठीक, ना ही आप कहीं घूमने जाने वाले हो, तो वो सबसे बेस्ट टाइम है आपका कि आप अपने वीक सब्जेक्ट पे इन्वेस्ट करो उस टाइम को। ठीक, तो जितना भी आपको सुबह टाइम मिले उसको आप इन्वेस्ट करोगे अपने सबसे वीक सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक, तो सुबह के टाइम पे आपने कोई भी अपना एक वीक सब्जेक्ट पकड़ लिया, उसके बाद आपको दिन के टाइम को कैसे मैनेज करना है। दिन के टाइम पे आप क्या करेंगे, क्योंकि दिन का जो टाइम होता है वो सबसे डिस्ट्रैक्टिंग टाइम होता है, उसी टाइम में आप कॉल्स में भी इन्वॉल्व होगे, सोशल मीडिया में भी इन्वॉल्व होगे, दोस्त भी आएंगे आपके, कभी आपके रिलेटिव्स आ जाएंगे, कभी कुछ, कभी आप पार्टी में इन्वॉल्व होगे, तो दिन का टाइम जो होता है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग टाइम होता है। तो उस टाइम पे आपको ऐसा सब्जेक्ट निकालना है पढ़ने के लिए जिसमें आप अच्छे हो। ठीक, और दिन के टाइम पे भी आपको ऐसा टाइम चूज करना है पढ़ने के लिए जिस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो। तो जनरली 1 से 5 के बीच का जो टाइम होता है वो जनरली कम होता है डिस्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो इस टाइम में आप अपना कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैनेज कर सकते हो जिसमें आप वैसे अच्छे हो। उसके बाद आप शाम को अपना टाइम इन्वेस्ट करो खेलने में, दोस्तों के साथ घूमने में, जो भी आप करते हो उस टाइम में। उसके बाद रात के टाइम पे जब आप वापस लौटो 7, 7:30, 8 बजे तक जब भी लौटो, उसके बाद 1-1.5 घंटे आप अपने दूसरे किसी वीक सब्जेक्ट को दो। उसके बाद आप 10 बजे तक आराम से सो जाएं और फिर सुबह 4 बजे उठें और फिर से वही आप रूटीन जो है आप फॉलो करें। ठीक, तो ये तो रूटीन है आपके लिए अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो। ठीक, अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो और आप मान लो नाइट पर्सन हो, ठीक, तो जो आपका दिन है वो तो रात को होने वाला है। ठीक, तो इसलिए आपको अब जो एक्स्ट्रा काम है वो रात को करना है, सुबह तो आप पढ़ोगे नहीं, तो वो टाइम आपको अब मैनेज करना है रात को। तो जो वो 2-2.5 घंटे आपको सुबह पढ़ना था वो टाइम अब मैनेज करोगे आप रात के टाइम पे। ठीक है, इसमें भी आपको बिल्कुल वही चीजें फॉलो करनी है, दिन के टाइम पे आपको वैसे ही आपको कोई टाइम स्लॉट निकालना है जिसमें कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो। ठीक है, तो 1 से 5 के बीच में आप टाइम निकालो अपने किसी भी ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिसमें आप ठीक ठाक हो। उसके बाद आप शाम को खेलने वेलने गए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, लेकिन अगर आप नाइट टाइप पर्सन हो तो शाम को 1 घंटा अपने फिजिकल वर्कआउट के लिए जरूर निकालें। ठीक है, और अगर आप नाइट पर्सन हो तो आप प्लीज घर भी जो है जल्दी आए थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिले, क्योंकि आप वैसे भी सुबह के टाइम पे पढ़ नहीं रहे हो, तो आप फिर रात को दो टाइम स्लॉट बनाओगे पढ़ने के लिए, दोनों अपने वीक सब्जेक्ट्स का निकाल के। ठीक है,
अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो ये कि आपके पास जो आपका फोन है वो सिर्फ सुबह के टाइम पे हो, या फिर शाम को उस टाइम पे जब आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, या फिर आप जब फ्री हो, ठीक है। क्योंकि सुबह के टाइम पे अगर आपके पास फोन हो भी तो उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला होता ही नहीं है, या कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है उस टाइम पे, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। शाम के टाइम पे आप रख सकते हो जब आप अपने दोस्तों के साथ हो, रात के टाइम पे फोन अपने से दूर ही रखें तो ज्यादा बेटर है, ठीक। तो इस टाइप से आप अपना सुबह, दिन में, शाम को अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, ठीक। अब इसमें भी क्या करोगे, आप जो अपने टाइम स्लॉट अपने लिए बनाया है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप लगातार चार चार पांच पांच घंटे पढ़ पाओगे, तो इसके लिए भी बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कुछ टेक्निक्स अपना लो, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो कि 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। तो इसको 25-5 रूल बोलते हैं। तो आप 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो, उसमें आप गाना सुन सकते हो या थोड़ा सा घूम के आ सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो 5 मिनट आपके एंजॉय करने के लिए, और उसके बाद फिर से आप पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो 25-25 मिनट का आप पढ़ाई करो और 5-5 मिनट का उसमें ब्रेक लो, या फिर आप 50-10 टेक्निक अपना सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप 50 मिनट पढ़ोगे, 10 मिनट का ब्रेक लोगे, और इस 10 मिनट में आप एंजॉय करो, 50 मिनट पढ़ाई करो, ठीक। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है आपका टाइम मैनेज करने को, ठीक। लेकिन अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि आइडियली आप डेली इसको फॉलो कर पाओ। कभी ऐसा भी होगा कि आप सुबह लेट उठ रहे हो, कभी ऐसा भी होगा कि रात को आपको कहीं पार्टी में जाना होगा, कभी दिन में ऐसा भी होगा कि आप दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, तो लेकिन आपको तब भी इसको फॉलो जरूर करना है। फॉलो कैसे करना है, मान लो आप सुबह के टाइम पे लेट उठे, एक घंटा आप लेट हो गए, तो उस टाइम को आप दिन के टाइम पे एडजस्ट करो, ठीक है। अगर आपने वो दिन में एक घंटा वेस्ट कर दिया है तो आप उसको रात को एडजस्ट करो, अगर वो रात को एक घंटा दो घंटा आपका वेस्ट हो गया तो उसको दिन में या सुबह के टाइम पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करो। तो आपको ये प्रॉपरली फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि आपने जो शेड्यूल बनाया अपने लिए, आप उस पे बने रहेंगे, ठीक है। तो आपको अपना जो विल पावर है वो स्ट्रांग रखना है, ठीक है। कई बार टेम्पटेशन होंगे कि मैं दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता हूँ, छोड़ो आज मैं नहीं फॉलो करता हूँ इस टाइम टेबल को, छोड़ो आज नहीं कल पढ़ लूंगा, लेकिन यही चीजें जो है बाद में रिग्रेट का कारण बनती है, ठीक है। तो लास्ट में जो आप ये सोचते हो कि अगर थोड़ा सा और पढ़ा होता तो यहाँ पे मेरी जो परसेंटेज आई है उसमें 2% और होती या 4% और होती, या फिर किसी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होते होते रह गया 1-2 मार्क्स से, यार थोड़ा सा और टाइम दिया होता तो हो जाता, तो ऐसे रिग्रेट आपको नहीं होंगे कभी, अगर आप पंक्चुअल रहोगे अपने टाइम टेबल को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते। आई होप जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको आज चीजें बताई हैं वो आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। अगर ये आपको समझ में आई हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।